गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडी अबाउट मैनेजरियल रोल्स। फर्स्ट हमने इसमें स्टडी किया था इंटरपर्सनल रोल्स, सेकंड आपने इसमें स्टडी किया था इंफॉर्मेशनल रोल्स, एंड थर्ड अपना अब है डिसीजनल रोल्स। लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टूड दिस मैटर। इट इज रोल ऑफ मैनेजर्स टू क्रिएट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो आप इसका रोल पढ़ रहे हैं मैनेजर का, इसमें वह अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट करता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी व्यू रचना होती है। ये जो स्ट्रेटजी जो वर्ड है ये लिया गया है आर्मी से। आर्मी क्या है कि जब है ना कोई विकट परिस्थिति आती है तो उस समय वॉर में कैसे उसको ना विन करना है, कैसे जीतना है, उसके लिए उसकी जो है ना प्लानिंग होती है उसे हम कहेंगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। दीज रोल्स आर ऑफ फोर टाइप्स। हम इनकी स्टडी करेंगे कंटिन्यूस। सुनिएगा, इसमें फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर जो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर ऑलमोस्ट इसका यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर रहा है अपनी, स्टेब्लिश्ड पर्सनल प्रोडक्शन यूनिट, तो होगा एंटरप्रेन्योर। तो ये इसका जो रोल है मैनेजर का, इसमें एंटरप्रेन्योर के तौर पर वो क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। इन दिस रोल द मैनेजर आइडेंटिफाइज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट टाइप की जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करता है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड डेंजर्स फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट टाइप की जो पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ अवसर होते हैं जिससे वो है ना बेनिफिट्स गेन कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज अवसर एंड डेंजर्स फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लीमेंट्स देयर करेस्पॉन्डिंग चेंजेस एंड देन रिफॉर्म्स। द मैनेजर Identifies different possibilities, opportunities and dangers for his organization and implements. वह लागू करता है ये सब जो यहाँ पे ये कर रहा है, पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी डेंजर्स, इन सबको ना आइडेंटिफाई करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट्स करता है देयर करेस्पॉन्डिंग चेंजेस, यानी कि जो अपने जैसे कि मान लीजिए कोई डेंजर्स है तो उसके अनुरूप उसके करस्पॉन्डिंग चेंजेस एंड देम रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स होता है जैसे कि कोई ना सॉल्यूशन कर रहे हैं कोई किसी प्रॉब्लम का, तो रिफॉर्म्स। ही अप्लाइज इनोवेशंस, वो इन सब को भी लागू करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इनोवेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एडवांटेज यानी कि वो लाभ प्राप्त कर सके ऑफ द चेंज इन द एनवायरमेंट। जी यहाँ पे फिर से सुनिए, ही अप्लाइज इनोवेशंस, वह अपने संगठन में टू द ऑर्गेनाइजेशन, वह अपने संगठन में इनोवेशन है वो है ना अप्लाइज करता है टू टेक एडवांटेज ऑफ द चेंज इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो कुछ चेंज हो रहा है उसका एडवांटेज है ना गेन करने के लिए वो इनोवेशन कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो रोल हो गया वो हो गया एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट जो सेकंड इसमें जो रोल्स है वो है डिस्टरबेंस हैंडलर। डिस्टरबेंस
हैंडलर। डिस्टरबेंस क्या होता है, जैसे कि ना झगड़े हैं, मनमुटाव है, उपद्रव है, तो वो सब हम कर सकते हैं, तो उनको हैंडल करता है हैंडलर। डिस्टरबेंस हैंडलर। द मैनेजर रिमूव्स, यानी कि उनको रिमूव करता है, दूर करता है। द डेली राइटर्स ट्रबल्स प्रोडक्ट्स कॉन्फ्लिकेट्स एंड डिस्टर्बेंसेस। द अकर डे टू डे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगेन द मैनेजर रिमूव्स द डेली राइटर्स, ये झगड़े होते हैं, ट्रबल्स दंगे, प्रोडक्ट्स कॉन्फ्लिकेट्स एंड डिस्टर्बेंसेस द अकर डे टू डे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो मनमुटाव है, झगड़े हैं, दंगे हैं, ये सब जो हो रहे हैं, मैनेजर इन सब को रिमूव करता है। ही एक्सप्रेसेस हैज रेस्पॉन्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स एंड प्रेशर्स ऑफ द एम्प्लॉइज। यहाँ वो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ही एक्सप्रेसेस हैज रेस्पॉन्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स एंड प्रेशर ऑफ द एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज है उनका प्रेशर या फिर उनकी वेरियस टाइप की जो प्रॉब्लम है उन पर वह अपनी रेस्पॉन्स देता है। उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको किस तरह से ना रिमूव किया जाए, इस पर अपने ना रेस्पॉन्स देता है। ही डिस्कस अबाउट स्ट्राइक्स कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रेकडाउन। कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रेकडाउन, जो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो क्यों हो रहा है, उसकी स्टडी करता है और उसके जो भी ना रीजंस है इनको रिमूव करने का वो सोचता है, उसकी प्लानिंग करता है। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, जो अपने रॉ मटेरियल है उसकी कमी को दूर करता है। कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड द डिफ़िकल्टीज एंड ओवरकम देम यूजिंग पावर ऑफ हिज पोस्ट पोजिशन एंड अथॉरिटीज़। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ही डिस्कस अबाउट स्ट्राइक्स कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रेकडाउन लैक ऑफ रॉ मटेरियल कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड द डिफ़िकल्टीज एंड ओवरकम देम यूजिंग। और इन सब को कम करने के लिए वो अपने पावर पोस्ट पोजिशन एंड अथॉरिटी को यूज़ करता है। और इन सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स ये जो क्रिएट हो रही है, लैक ऑफ रॉ मटेरियल है, कॉन्ट्रैक्चुअल जो ब्रेकडाउन है, या कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज़ है, या जो डिफ़िकल्टीज़ है, इन सबको रिमूव करता है, ओवरकम यानी कि कम करने की उसको ना वो ट्राई करता है। इसके लिए वो देम यूजिंग पावर ऑफ हिज पोस्ट पोजिशन एंड अथॉरिटी को यूज़ कर रहा है जी। एंड नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर, इन दिस रोल एलोकेटर मींस होता है जो अलॉट करने वाला है, रिसोर्स को अलॉट करने वाला है, उसे हम एलोकेटर कहेंगे। तो रिसोर्स एलोकेटर, इन दिस रोल द मैनेजर क्रिएट्स एन एक्शन प्लान अबाउट सबॉर्डिनेट्स टाइम। जो सबॉर्डिनेट्स है उनकी टाइमिंग क्या होगी उसको वो क्रिएट करता है, उसकी प्लानिंग करता है। मैनेजमेंट रिसोर्सेज एंड फंक्शंस डिसाइड्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ फाइनेंस रॉ मटेरियल्स इक्विपमेंट अदर सप्लाइज एक्सेट्रा। तो इन सब की वो प्लानिंग करता है और एक्शन क्रिएट करता है अबाउट सबॉर्डिनेट टाइम। मैनेजमेंट रिसोर्स एंड फंक्शंस डिसाइडेड अबाउट द एलोकेशन ऑफ फाइनेंस रॉ मटेरियल्स इक्विपमेंट अदर सप्लाइज एक्सेट्रा। रिसोल्व रिसोर्सेज प्रेफरेंसेज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं उनको वेरियस टाइप के जो है ना रिसोर्सेज है ना चाहिए होते हैं, उनको एलोकेट करता है, एलोकेटिंग उनकी करता है
और प्रेफरेंसेस यानी कि उसके ना प्राथमिकता को तय करता है, डिसाइड करता है उनको। प्रिपेयर्स बजट, बजट क्रिएट इसको प्रिपेयर करता है। दोज द मैनेजर डिसाइडेड हाउ व्हेन व्हाई एंड फॉर होम द रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी स्पेंड। और ये वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि है ना हु व्हेन व्हाई एंड फॉर होम द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन कब कैसे और क्यों और किसके लिए खर्च करना है, स्पेंड यानी कि खर्च करना, इन सबको डिसाइड करता है, इन सबको डिसाइड करता है। एंड नेक्स्ट फोर जो इसका रोल्स है, जो आप इसमें रोल्स पढ़ रहे हैं डिसीजनल रोल्स, उसमें अपने फोर है नेगोशिएटर का, इसका रोल नेगोशिएटर का रोल क्या होता है, नेगोशिएटर कौन होता है, नेगोशिएटर होता है जो ना अपने जो एक्सटर्नल जो पार्टीज होती है उनसे कोई डिस्कस करने वाला जो होता है, वार्ताकार जिसको हम बोलते हैं वो नेगोशिएटर होता है, नेगोशिएटर। द मैनेजर नेगोशिएट्स विथ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज, ये आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सच एज लेबर यूनियन, क्लाइंट्स, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। एक बार फिर सुनिए आप, द मैनेजर नेगोशिएट्स विथ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज सच एज लेबर यूनियन, क्लाइंट्स, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज एंड बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डिफरेंट टाइप की जो पार्टीज है जो आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सच एज लाइक लेबर यूनियन, क्लाइंट्स, गवर्नमेंट, अदर एजेंसीज, इन से वो नेगोशिएट्स करता है, मतलब कि वार्तालाप करता है। एंड बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन, और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करवा रहा है। द मैनेजर्स प्लेज द रोल ऑफ इंटरमीडिएटर, मध्यस्थ होता है इंटरमीडिएटर, फॉर द रिकन्सिलेशन ऑफ वेरियस वेरियस डिस्प्यूट्स, जो वेरियस टाइप के डिस्प्यूट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन एंड ना जो आउटसाइड जो पार्टीज होती है, एक्सटर्नल पार्टीज और एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन आउटसाइड पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो डिस्ट्रीब्यूट होती है उनमें इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करता है। द मैनेजर प्लेज द रोल ऑफ इंटरमीडिएटर फॉर द रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन होता है जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है उसका ना सॉल्यूशन करना, मतलब कि उसकी प्रॉब्लम का कोई हल, समाधान खोजना, तो ये रिकन्सिलेशन होता है। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा भी होगा, समायोजन कुछ जो समाधान होता है वो रिकन्सिलेशन होते हैं, तो रिकन्सिलेशन ऑफ वेरियस डिस्प्यूट्स। जी नेक्स्ट अपना इसमें टॉपिक है वो है मिंटसबर्ग आल्सो एक्सप्लेन ऑफ रिलेटिव मैनेजरियल फंक्शंस एंड देयर रोल्स एज फॉलो। जो मिंटसबर्ग है उन्होंने इसी के साथ जो आपने इसमें ना टॉपिक्स पढ़े हैं फंक्शंस एंड रोल ऑफ मैनेजर्स, इनको एक डायग्राम के जरिए इसको ना बताया बहुत अच्छे ढंग से। मिंटसबर्ग आल्सो एक्सप्लेन ऑफ रिलेटिव मैनेजर्स फंक्शन एंड दियर रोल्स एज फॉलो। हम इसको यहाँ पे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा आप इस डायग्राम को। इंटरपर्सनल रोल, फॉर इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल्स, आपने ये तीनों रोल्स पढ़े हैं, रोल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स, एंड ये आपने फंक्शन पढ़े हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्शन है एंड कंट्रोल है। तो ये देखिए किस तरह से मैच करता है। इंटरपर्सनल रोल में जो एक मैनेजर होता है, इंटरपर्सनल रोल में उसमें वो कौन कौन से वर्क या फंक्शंस है उनको है ना कंप्लीट कर रहा है उसमें वो करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको है ना अलग पेन यूज़ किया है, आप इनको समझ सको अच्छे से। ये जो इंटरपर्सनल रोल में है वो ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन वर्क है उस पर ज़्यादा फोकस करता है, इसी पे ज़्यादा उसका है ना टाइम है वो स्पेंड होता है।
जी इंटरपर्सनल रोल में, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन पे। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल रोल में उसके जो फंक्शन होते हैं वो होता है प्लानिंग एंड डायरेक्शन का, प्लानिंग एंड डायरेक्शन। इसको अलग पेन से मैंने इसको है ना इंडिकेट किया है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इनफॉर्मल रोल में प्लानिंग एंड डायरेक्शन। एंड थर्ड डिसीजनल जो रोल है, डिसीजनल रोल्स जो अभी हमने पढ़ा है लास्ट, डिसीजनल रोल्स जो इसकी निर्णयात्मक भूमिकाएं हैं, इसमें वो जो कौन कौन से फंक्शन है वो कर रहा है देखिएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। तो आपको इसको अपने फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट करना है और ये वर्क आप हमें सेंड करेंगे, इसको चेक करने के लिए कभी भी आपसे मंगाया जा सकता है। अच्छे से इसको केयरफुली आप अपने फेयर नोटबुक में नोट कीजिएगा। थैंक यू।